अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ, टेक्नोलॉजिक में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको एलवीडीएस जैक जो 20 इंच स्क्वायर का उसके जो डाटे हैं वो आपको बताऊंगा कैसे बनेंगे। ये मैं एक जैक बनाने लगा था, मैंने सोचा दोस्तों से शेयर करूं कि किस कैसे ये आसानी से हम इसका जो डाटे हैं वो बना सकते हैं। तो जिन दोस्तों को पता है के बारे में, इन डाटों के बारे में, तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है जो इसको नहीं समझते, अभी न्यू है वो, ठीक है। तो 20 इंच स्क्वायर जो एलसीडी है उसका जैक उल्टा होता है, अक्सर वक्त ऐसा होता है कि वो जैक मिलता नहीं है, ठीक है। मिलने की वजह से तो हम जैक बना नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये वो जैक कैसे बनेगा। ये वो ही जैक नहीं बनेगा 20 इंच स्क्वायर का, ये हम कोई भी हम जैक बना सकते हैं, बस उसकी पीडीएफ पता हो स्क्रीन की, तो इसी से हमारे जो डाटे हैं वो बन जाएंगे। ये आम सादा एलवीडीएस जो 17-19 को लगता है, तो मैं आपको बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे हम 20 इंच स्क्वायर का बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है इसका, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मेरे दोस्त नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है डाटा वन, ठीक है, ये अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये डाटा वन, डाटा टू, डाटा थ्री, डाटा क्लॉक, फिर डाटा फोर। मतलब कि हम इसे पढ़ा जाए तो ऐसे पढ़ते हैं 0, 1, 2 क्लॉक, 3, फिर उसके बाद ये फर्स्ट डाटा थे और टू डाटे 0, 1, 2 क्लॉक, 3। ये हमारे स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन हमने बनाना है दूसरा कोई भी जैक हो, मैं बना लगा हूँ 20 इंच स्क्वायर का, उसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। 20 इंच जो है अक्सर का नहीं भी मिलता है, मिल तो जाता है, अगर बनाना हो तो अच्छे से हम खुद बड़े अच्छे से बना सकते हैं, ये ठीक होता है। उसकी तो ग्राउंडें काटनी पड़ती हैं कुछ, तो कई बार वो डिस्प्ले में गड़बड़ कर जाता है, जो नया मिलता है, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। हमने इस स्टैंडर्ड को बनाना है, आसानी से बनाने का तरीका ये है कि हम इसको एक निकाल के रख लें, ये जैक को, ये 30 पिन जैक है, ठीक है। हमने इसको पकड़ लेना है, निकाली एक नंबर, आप इसकी पीडीएफ भी निकाल सकते हो और स्क्रीन की पीडीएफ निकाल के फिर आपको पता चलेगा उसके डाटे कौन से हैं, फिर आपने उसके साथ साथ ये लगाते जाना है, ठीक है। मुझे पता है इसके जो कहाँ पे डाटे है ये ऐसे लगेगा, ठीक है, ये उल्टा जाके लगता है। तो हमारे डाटे जो हैं वो शुरू होते हैं इस तरफ से, दो पॉइंट छोड़ के उसकी माइनस प्लस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस चेंज की, ठीक है। ये ऐसे 0 बड़े एहतियात से लगाना पड़ता है इसको, ठीक है, ये 0। और फिर ऐसे ही हमने फिर दूसरा चेक दूसरी निकालनी है, डाटा 1, वो डाटा 0 था, ये डाटा 1 निकाला, ऐसे माइनस इसकी चेंज कर दी, क्योंकि इसकी माइनस जो है वो इस तरफ से शुरू होती है, माइनस प्लस। आप पीडीएफ निकालोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये ऐसे हम बारी बारी लगाते जाएंगे, इसमें कोई फासला नहीं छोड़ना, ना कोई इसमें छोड़ना, जब तक ये पांच डाटे मुकम्मल नहीं हो जाएंगे। ये देखिए मैंने 5 जो है डाटे वो लगा दिए हैं। देखो ये ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने इसलिए इसको स्किप किया और आपको 5 डाटे दिखा दिए, ठीक है। ये हमने कैसे लगाए हैं मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
पहले दो पॉइंट छोड़े, ठीक है, उसके बाद ज़ीरो माइनस प्लस, वन माइनस प्लस, टू माइनस प्लस, क्लॉक माइनस प्लस और थ्री माइनस प्लस, ये हमने एक साथ ऐसे कोई फासला नहीं छोड़ना है, दो पॉइंट छोड़ के ऐसे चेक को पकड़ लेना है सीधा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद दो ग्राउंडें आती हैं इसमें, उसके बाद फिर डाटे ऐसे ही लगाएंगे जैसे ये लगे हैं जहाँ तक ये जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही आपने बारी बारी निकालना है, डाटे सीधे सीधे हैं ये, ऐसे निकालने हैं और उस तरफ लगाते जाना है हमने ना। ये देखिए तो मैं वीडियो स्किप इसलिए करता हूँ कि ये लंबी ना हो, ठीक है। ये देखिए मैंने ये लगा दिए हुए हैं चार डाटे और ये पांचवा आपके सामने लगाऊं कि आपको ये ना लगे कि ये पता नहीं इसने बना बनाया जो जैक है वो दिखा दिया है। तो ये ओरिजिनल ये वीडियो है, ये सीधे से मेथड है, ना कि मैं इसमें कोई गलत नहीं है। ये देखें ये जो हमारा डाटा थ्री, ये हमारा जो पूरे जैक लग गए हैं डाटे, अब ये जो माइनस निकालेंगे इसमें ये निकाल दिया, उसके बाद ये जो पांच तीन तारे हैं ये वोल्टेज की ये निकाली हमने, यहाँ पे सीधी इसमें लगा दी एक नंबर और दो नंबर में, दो नंबर तीन नंबर, ठीक है। ये हमारी दो ग्राउंड जो वायर हैं ये हमारी बची हैं, ये एक जो है हमने लगा देनी है, आप चाहे तो इसे काट सकते हैं वैसे कोई मसला नहीं, वो ग्राउंडें लगी हुई हैं, अगर चाहे तो आप यहाँ पे ये जो हमने दो छोड़ी थी, ये जो हमने दो छोड़ी थी खाली एक और दो, एक में नहीं लगानी हमने, दो में लगा सकते हैं अगर चाहो तो, और कहीं भी नहीं हमने ये लगानी। ये हमारा जैक जो है ये 100% काम करेगा, चाहे कोई भी 20 इंच की LCD हो, उसमें अक्सर उकात होता है ये ग्राउंड की वजह से डिस्प्ले नहीं आता। हमने ये जो ग्राउंडें लगानी है ना, ये डाटे और ग्राउंडें, ये तो इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। ये हमने काट देनी है, ये देखिए हमारा जैक तैयार हो चुका है, ठीक है। ये 20 इंच स्केयर का, 21 इंच स्केयर का भी यही होता है, ठीक है, उल्टा जैक ऐसे लगता है ये उल्टा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। पहले नंबर पर खाली, दूसरे पे ग्राउंड कर दें, ठीक है। तीसरे नंबर पे शुरू होनी है माइनस, डाटा ज़ीरो, डाटा वन, डाटा टू, डाटा क्लॉक, डाटा थ्री, ठीक है, डाटा क्लॉक, डाटा थ्री, ये हो गए हमारी पांच। उसके बाद दो ग्राउंडें छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आना है ज़ीरो वन टू क्लॉक थ्री, उसके बाद छोड़ देनी है सभी, और आखिर में ये देखिए आखिर में हमने लगाने हैं वोल्टेज, ठीक है ना। ये देखिए वोल्टेज एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, आप चाहे तो दो भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, काट दें, ठीक है। ये हमारा जैक बनाने का तरीका है। जैक सिर्फ इसका ही नहीं, यहाँ से निकाल के हम कोई भी स्क्रीन को बना सकते हैं, उसको कोई भी हो, अगर उसके डाटे चेंज है तो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।